नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन ट्रेडर में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ, और आज हम जाने वाले हैं पानी खरीद, इसे सिमली भी बोलते हैं, और ये आपका खलीकट फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो चलिए आज के ट्रिप को शुरू करते हैं, और हम भुवनेश्वर से जॉइन करने वाले हैं, और भुवनेश्वर से ये खलीकट फॉरेस्ट एरिया 130 किलोमीटर के आसपास चलता है। तो चलिए इस ट्रिप को शुरू करते हैं, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं खलीकट ईस्टर्न घाट में, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा ऑफ राइडिंग शुरू होती है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, तब तक आप एंजॉय करते रहिए। अभी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से रास्ता ख़त्म होता है, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। ये आपका वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, इस तरफ से हमें ऊपर जाना है। ऊपर की ओर जा रहे हैं अभी हम। यहाँ नीचे से हम आए थे उस तरफ से, तो चलिए और ऊपर की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आपको आना चाहिए। ये आपका नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये और ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं और ऊपर की तरफ। हमें यहाँ पे आने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, गूगल मैप में 3-4 रूट दिखा रहे हैं, और सारे रूट में रास्ता तो है नहीं। करूँगा कि यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन का जो रूट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे फॉलो कीजिए और यहाँ पे ज़रूर आइए। आप सिमली विलेज मार के आ सकते हो, मैं रूट भी शेयर कर दूँगा आपके साथ, तो आपको आसानी होगी यहाँ पर आने के लिए। तो चलिए और आगे की तरफ चलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। ये पूरा ऊपर का व्यू है, यहाँ तक ही हम लोग आ सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप नहा भी सकते हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं, और चाहे तो आप नीचे भी नहा सकते हैं। और अगर बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप सिमली गाँव तक हो सके तो बस
अगर कोई जाती है तो सिमली गांव तक आ सकते हैं। नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कटता है ये सिमली गांव, तो सिमली गांव से बस वॉकेबल डिस्टेंस है, 300-400 मीटर ही है। तो आइए ज़रूर और देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को उड़ीसा में। यहाँ पे छोटा सा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या है ऊपर। ये जगह इतना टूरिस्टिक तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के लोकल्स जो नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आते ज़रूर हैं यहाँ पे। एकदम पूरा घना सा जंगल है ये, थोड़ा देख के आना। बस यही था वाटरफॉल और ऊपर एक रास्ता जाता था, लेकिन ऊपर कोई है नहीं, तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। थोड़ा संभल के यहाँ पे आना था क्योंकि थोड़ा पानी भी के और जो पत्थर है वो थोड़ा फिसलता है पानी के वजह से। यहाँ से पानी नीचे की ओर जा रहा है और रास्ता कुछ इस तरफ है, तो झरने के बीच से रास्ता गुजरता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ। और खूबसूरत बहुत है, आप ज़रूर आइए यहाँ पे। तो से ये कुछ 120-130 किलोमीटर के आसपास गिरता है, और ज़रूर आइए एक बार घूम के जाइए और मज़े ले जाइए। फैमिली स्पॉट तो है क्योंकि बहुत सारे जब जूते पहन के आ रहे हैं तो ध्यान रखना कि वाटरप्रूफ जूते होने चाहिए, क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत तो पैर भीगेगा ही। नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पे, एकदम खूबसूरत। यहाँ से रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, चलिए चलते हैं नीचे की ओर और आपसे मिलते हैं नीचे। फिलहाल हम नीचे आ चुके हैं और वहाँ से रोड है आगे, और ये रहा वाटरफॉल, और इस तरफ से आपको ऊपर जाना होगा। और ऊपर जब जितना दूर चढ़ते जाएंगे उतना खूबसूरत नज़ारा मिलता जाएगा आपको। तो ये था आज का हमारा सफ़र, और ये सिमली वाटरफॉल है और सिमली गाँव के अंदर आता है, और ये है खलीकोट ईस्टर्न घाट फॉरेस्ट। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।